ओके गाइस, तो हम लोग फिर से आ चुके हैं। एक सेकंड गाइस। यस गाइस, तो यार चलो अभी सोचो कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। वो एक्चुअली मैं मेरे को यहाँ पे एक मॉन्स्टर स्पॉनर मिला था, मतलब ये तो नहीं पता मॉन्स्टर का था या किसी चीज़ का था, बट हाँ स्पॉनर तो था। मेरे को थोड़ा सा लामा टाइप का लग रहा था। और यस गाइस, इंट्रोडक्शन देना तो भूल गया, मतलब इंट्रोडक्शन क्या देना यार। हाँ तो मैं ये बोला था कि इंट्रोडक्शन कि मतलब गेम आप लोग को पता ही होगा, माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं ऑब्वियसली यार, क्या ही खेलेंगे अब, है ना। तो जल्दी से मैं ये बेस कंप्लीट कर देता हूँ। अरे यार, और हाँ गाइस मैं बताना भूल गया, मेरी मतलब मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है तो पहले चलता रहता है ना गाइस, तो ठंड का ही मौसम है तो जल्दी से। अरे यार, तो मेरी बिल्डिंग इतनी ख़राब हो गई है ना कुछ टाइम से कि मैं क्या ही बताऊँ। ओके, मेरे जल्दी जल्दी से इसको अच्छा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल मतलब अच्छा अंदाज है, थोड़ा सा ढंग का बनाना पड़ेगा। ओके तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ उसको बनाने के जस्ट बाद। यस गाइस, तो फाइनली मेरा बन चुका है। आप लोग सोच रहे हो कि वो है का भाई, वो सामने ही है, बस मैंने उसको रिवील नहीं करा है। पहले इसको अंदर डाल देते हैं। यस, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उसकी सप्लाई तक। यस, आपको लीवर दिख रहा है, इसको पुल करा। तो गाइस पता है क्या होगा, क्रीपर, क्रीपर। अब मैं ज़रा सा इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि दूसरे के घर में पैर से बिना परमिशन ना घुसें। माना कि मैंने अपने घर की वो बंद नहीं करी थी, मतलब ये नहीं हटा था, इसका ये वजह थोड़ी नहीं कि लोग आ जाएंगे बिल्कुल, मतलब मैं इसको बंद ही कर देता हूँ क्योंकि ये लोग वरना स्पॉन होते ही जाएंगे। यस गाइस, अरे यार ये स्टोन का बच्चा कहाँ गया, ये रहा स्टोन। गुन क्या करना है मालूम, देखो हाँ तो क्या बोलने वाला था मैं, हाँ भूल गया था इस, सॉरी। तो यस, अरे मेरे बन चुका है और बस ये था कबाब में हड्डी, ये भी हट गया। मैं वहाँ से लैंटर्न लगाऊंगा ऑब्वियसली यार, अब इतनी छोटी सी जगह लैंटर्न से इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, वैसे को टॉर्च से अच्छा लैंटर्न लगता है, सही बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ, टॉर्च से अच्छा मेरे को अभी तक लैंटर्न लगता है लिटरली। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, आप समझ जाओ उसको, ठीक है ना, समझ जाओ बस। बुक शेल्फ रखूँ या ना रखूँ, हर जगह पर बुक शेल्फ रखना वैसे मेरे को ज़रूरी बिल्कुल नहीं रखता, नहीं रखता। और फिर चेस्ट तो होना ही चाहिए, क्या एग के। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, ब्रिंग स्टैंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और करना चाहिए। अरे जो जो हाँ हाँ करने वाले ब्लेजर ना मेरे को सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं। ओके मेरे हिसाब से इतना ठीक बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसी चीज़ें कौन रखता है भला घर में, पर रख के देख जब ले जाए हमारे हाँ हाँ क्यों करने लगते हैं। चलो ठीक है, एक सब देते हो सबसे ज़रूरी चीज़ तो नहीं लगती मेरे को ये, बट हाँ ये कैसे भूल गया, अरे यार पागल हूँ मैं बिल्कुल, मैं सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गया। एनचेंटेड खोजन एप्पल, हम इसको लिए बिना तो कोई सीक्रेट बेस बनता ही नहीं है हम लोगों का, शायद आप लोग को पता हो।
दो दो स्टैक रखेंगे भाई। भैया कभी पड़ गई कभी तो बताओ, ये ब्रिज इतना हाँ हाँ क्यों करते हैं? मेरे को पहले को ये बता दे यार, क्यों करते हैं इतना हाँ 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 हाँ? क्या तो कदर हाँ हाँ। ओके कंट्रोल कंट्रोल है। ये कैसे टाइप की डिस्क है थोड़ी? लोग हो करना बंद कर देंगे या फिर मैं उनको मारूं? इस बार नहीं बोला हूँ, लगता है डर गए। देखो हाँ बोला ना भाई। यार अब लोग डरने लगे हैं यार, बंदे भी डरने लगे हैं मेरे से। मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ, मतलब कारपेट। ओह कैरेट, गोल्डन कैरेट। अरे यार गाइस एक मिनट, क्या हो गया? लेकिन बीच में लैग मार गया था, कुछ तो हो गया था अभी लेकिन। पर ठीक है चलता है अभी यार। यस तो मेरा ये थोड़ा सा कमरा बन चुका, मतलब थोड़ा सा ही सीक्रेट बेस बन चुका है। आप लोग को कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करो, अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर दोनों लगा तो दोनों कर दिया। क्या जाता है दोनों करने में, है ना भाई? कुछ नहीं जाता, क्या कुछ नहीं जाता भाई, चलो दोनों कर देते हैं। यस तो और क्या रखूँ, सोचने दो। सब कुछ तो ज़रूरी ज़रूरी काम हो गया है, अब क्या ही बचा है? गेट लगाना है नहीं मेरे को, ग्लास का क्या ही करूँगा, दिखेगा तो एक ही चीज़ है स्टोन, है ना? तो क्या रखूँ फिर मैं, क्या ज़रूरी हो जाए? कुछ तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो खाली खाली से घर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ एन्चेंटिंग बुक्स, फायर प्रोटेक्शन ही चाहिए भाई, थॉर्न्स भी चाहिए, थॉर्न्स आप रखें, शार्पनेस के थोड़ी बहुत बुक्स ले लेते हैं, तीन काफ़ी है, और लूटिंग की भी ले लेते हैं एक दो, है ना गाइस? काम आती है कभी भी। सबसे ज़रूरी फेयर रेस्पेक्ट, इसकी भी एक एफिशिएंसी हो जाती है, शार्पनेस रखनी है, फेयर रेस्पेक्ट रखनी है, फेयर रेस्पेक्ट टू रखनी है, क्या गोल्डन कैरेट तो रखनी है, फिर शार्पनेस की भी रखनी है, फेयर रेस्पेक्ट टू भी रखनी है, लूटिंग तो रखनी ही रखनी है, लूटिंग थ्री भी रखनी है, बस इतनी एन्चेंटमेंट वो काफ़ी है ना? और एंजॉय नहीं करना है मेरे को अभी, है ना गाइस? थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना आर्मर वार्मर भी डाल देते हैं, अपना एंजॉय कैसे करेंगे हैं? कैसे एंजॉय करें यार, पहले विलेजर को कुछ चुप करवा दो हूँ करने से। और मेरे को ना एक चीज़ करनी है, जो आयरन सोड होती है ना ना, वो नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, विलेजर्स को नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब विलेजर्स को नहीं मार रहा हूँ, मेरे पास ट्रेन है तो मैं लोगों को एक शॉट में ख़त्म कर सका हूँ। ऐसे शार्पनेस टू ही लगा देते हैं, चलो इसको एंचांट करना है भी, एनिमल भी रख ही देते हैं, अगर मैंने ले लिया तो फिर रख ही देते हैं, है ना गाइस? रख देते हैं। ओके अब मेरे को एंचांट, ये बहुत सुंदर लगती है मेरे को, ऐसे ऐसे में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है ये एंचांट। यार हद हो गई, चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यहाँ कौन बोला? हाँ और हाँ गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार, जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको इतना मारो कि अब मैं क्या ही बोलूँ यार, उसके ऊपर बम फूट दो, आप बम फोड़ दो उसके ऊपर, पूरा एटम बम फोड़ दो, है ना गाइस? और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।